ये बस्ती में अभी तक ना लाइट पहुंच सकती है, ना पानी पहुंच सकता है और ना डॉक्टर सही ढंग से पहुंच सकते। ये चीज़ के लिए कोई भी पार्टी नहीं सवाल उठा सकती कि भाई गरीब को क्या होना चाहिए। इन लोग का मुद्दा बहुत अलग अलग है, जिस मुद्दे की कोई ज़रूरत ही नहीं वो मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे। चुनाव लड़ने का एक ही मतलब है कि जैसा हम झुग्गी झोपड़ी वाले का जो प्रश्न होते हैं, जैसे करोड़पति हमारा आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, उसके लिए हमारा आवाज़ सिस्टम तक पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग चुनाव में खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी लोक संख्या है? यहाँ 500 के ऊपर घर है हमारे। ओके, और यहाँ पर रोजगार का माध्यम क्या है? रोजगार माध्यम एक ही है कि हम लोग जैसा कामगार मंजूर ज़्यादा है, जैसा बांधकाम करना, रिक्शा चलाना, सूतर काम करना और महिलाओं का जैसा घर काम करना, ये काम है हमारे इधर ज़्यादा। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है आपकी बस्ती में? शौचालय है नहीं, और शर्म की बात है, जैसे कि ये जागती शेर बोला जाता है इसको, लेकिन हमारी महिला सुबह उठ के अंधेरे में अपना जैसा शौच करके अपना वापस आना पड़ता है, क्योंकि दिन में किधर नहीं बैठ पाते, तो बहुत शर्म की बात है हमारे बस्ती के लिए। क्या आपके बस्ती में इसके पहले दूसरी कोई पार्टी के कोई प्रत्याशी आके गए थे? जैसे कि चुनाव के टाइम में सिर्फ अपना मुंह दिखा के, उसके बाद में 5 साल उसका मुंह नहीं दिखाई जाता है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हमारी बस्ती में आके और हमको आश्वासन दी थी कि आपको 2 दिन में टॉयलेट आएगा, 2 दिन में हर सुविधा पहुंचेंगी। जैसा उन लोग का चुनाव खत्म होता है और हम लोग उनके दरवाजे में अगर कुछ बोलने के जाएंगे तो हमारा एक ही सवाल उन लोग से सुनना पड़ता है, तुम लोग ने हमको वोटिंग दिया नहीं, क्योंकि हमारा वोटिंग 100% हम लोग तो वोटिंग करते ही कोई ना कोई पार्टी को जाता है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको देते करके, लेकिन जैसा हम कुछ मांगने को जाते तो हमको बोला जाता है कि तुमने हमको वोटिंग दिया नहीं, उसके लिए हम लोग ये सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। बस्ती में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग हर गैलन 5 रुपये 10 रुपये गैलन से पानी खरीद के लाते हैं। और आप ये 10 साल से खरीद के ला रहे हैं? जैसा 95 से हमारी बस्ती बैठी, लेकिन हर दिन जैसा हम लोग को पानी खरीद के लाना ही लाना है, 5 रुपये 10 रुपये हर गैलन का होता है उसका। ये बस्ती मैंने अभी देखा कि कई सारी झोपड़ियाँ टूटी हुई, ये टूटी मतलब ये कैसी टूटी है? सरकार ने मतलब सिस्टम ने तोड़ा है, सिस्टम की तरफ से टूटी है या क्या हुआ है? जैसा हम लोग को हर एक आदमी का पक्का घर था इधर, लेकिन कभी ये बस्ती किसको नहीं पता थी कि इधर है बस्ती। जैसा बाजू में निर्माण का काम चल रहा है, पता नहीं उसके वजह से या क्या उसके पीछे राज हो सकता है, बिना पूछे बिना नोटिस दिए हमारे ऊपर बुल्डर चलाया जाता है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो सीधा उसके ऊपर पुलिस केस ठोका जाता है इधर। अच्छा, ये बस्ती मतलब कई बार टूटी है? बहुत बार टूटी है, पहले अभी थोड़ा बचे रहे तो पहले हर महीना 2 महीने में लोग हमारी बस्ती तोड़ते थे। तो टूटने के बाद पुनर्वसन के लिए कुछ आपको लाभ किसी चीज शासन के किसी योजना का मिला है आपको? कोई भी सर्वे किया नहीं जाता इधर, क्योंकि उन लोगों को ऐसा हमको लगता है कि सर्वे करने के लिए कोई ना कोई तो रुकावट बड़े लोग लाते हैं, अभी इसके पीछे कौन है उसके पीछे तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा करके ऐसा सुनाया जाता है कि इधर राजनीति वाले ज़्यादा करके उनको सपोर्ट करते, कुछ भी करो उनका राज चलता है, ना कानून के इनको डर है, उनको पता है कि गरीब को कैसा भी घसर दो कोई उसका सुनने वाला नहीं है। साहब, इधर की ये बस्ती में आज से कम से कम 10 साल से यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ आमदार खासदार नगर सेवक आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोटिंग का टाइम पे बड़े बड़े आश्वासन देते हैं लोग, ना आज तक यहाँ के लोगों को ना पानी का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा है, और यहाँ आमदार खासदार आते अक्सर आते हैं
और आके भूमि पूजन भी करते हैं। यहाँ तुम्हारे को शौचालय बनाएगा और तुमको टॉयलेट बनाएगा, आपको पानी का सुविधा देगा, मगर आज तक ये लोग आया नहीं, आके कोई शौचालय बनाया नहीं। शौचालय के पीछे साइड में ये खड्डा भी मार के गया, भूमि पूजन करके गया, बुलडोजर से उसको खड्डा टाकी बनाया के गया, मगर वापस ये लोगों को मुँह दिखाया नहीं। उसके बाद में योगेश सागर जी ने उस महा इधर गार्डन है, उस गार्डन का अंदर ये शौचालय के लिए भूमि पूजन भी करके गया, मगर उसका अभी तक तो कोई पता नहीं है। अभी हमारे आमदार खादर ये घुटने में गुड़ लगा के चाटने बोल के ऐसा एक कहानी बताते हैं, और ये जब इलेक्शन का टाइम पे बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, मगर गरीब के लिए कोई आश्वासन सुनता नहीं है, गरीब का कोई सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गरीब के पीछे कोई है ही नहीं। जो बड़ा बड़ा यहाँ का भूमाफिया है, ये बड़ा बड़ा टावर है, वो टावर वाले ने क्या करता है, इसको इस जगह में नज़र है लोगों का, मगर ये लोगों को हटा डालेगा, उसके बाद में यहाँ हम गार्डन बनाएंगे, हमारे जब गार्डन बनने के बाद में हमारे बिल्डिंग का भाव बढ़ेगा, और उसके बाद में और यहाँ अलग ही किस्म के लोग यहाँ बैठे हैं, और ये गरीब बोलते हैं ना, आज बम्बई सिटी स्मार्ट सिटी बनने वाला है, बड़ा आदमी कोई घर का खाना नहीं बना सकते, बड़ा आदमी लोग कभी घर का भांडे नहीं घोस्त हो सकते, उसके लिए गरीब का आवश्यकता होता है। उसके लिए जब बम्बई से गरीब को हटाएगा ये लोग क्या करेगा, जब गरीब को हटाएगा उसका घर का पेंटिंग कौन करेगा, उसका घर का भांडी कौन किसके, उसका घर का जो बांधकाम कामगार जो भी कुछ करने का है कौन करेगा। और मोदी जी बोलते हैं मैं वो करेगा ये करेगा, मगर क्या किया, नर्मदा नदी में जाके 3,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक पुतला खड़ा कर दिया हमारे जो किसका, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ये खाली बड़े बड़े आश्वासन देते, बड़े बड़े भाषण देते, मगर गरीब को राशन दो, गरीब तक वहाँ पहुँचता नहीं, गरीब तक उसका पार्टी पहुँचता नहीं, गरीब तक उसकी जो कार्यकर्ता है गरीब तक पहुँचो, ये किनारे तक तो छोटे छोटे बिल में पहुँचो, जब मालूम पड़ेगा हाँ सही में आज भी बम्बई में गरीब है। ये चमकता धमकता बम्बई का शहर बनाने वाले कौन है, ये मजदूर है। बच्चों को स्कूल आप कहाँ भेजते हैं, कितना लंबा यहाँ से, दो किलोमीटर कैसे जाते, चल के जाके छोड़ के आना पड़ता है। आप खुद चल के जाते छोड़ के आते, हाँ कभी टाइम है तो जाते हैं, नहीं तो कभी टाइम नहीं है काम पे गए तो बच्चे लोग खुद ही जाते हैं, तो रोड क्रॉस करने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। बस्ती के पास में या आसपास कोई स्कूल नहीं है, जो इंसान पानी नहीं दे सके, लाइट नहीं दे सके, जिनका लाइट है उनके लाइट के लिए भी प्रॉब्लम हुआ तो स्कूल क्या देंगे, उनको सिर्फ वोट से गरज है, वोट दिया तो बस हो गया। एक वो आमदार खासदार को मिलने के लिए 3-4 जन को पलटी करके जाना पड़ता है, वो भी बोलता है इसे, अंदर रहते हुए ऑफिस में भी बोलते हैं कि नहीं ये बाहर गए, एक लेटर लेने के लिए स्टैंप मारने के लिए भी प्रॉब्लम है, तो बाकी क्या शौचालय करके देंगे, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक को यूज किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। आओ आओ जल्दी आओ, कुर्सी का आमंत्रण।